ऐसी शेयरिंग करते थे कि नहीं करते? तो सर उसी सिस्टम की बात कर रहे हैं। मैंने कई जगहों पर बात किया, एक फ्रेंचाइजी में अलग सिस्टम, दूसरे में अलग सिस्टम, तीसरे में अलग सिस्टम, हम अपना सिस्टम चला रहे हैं। नो, गैलवे का एक सिस्टम होगा। गैलवे की किसी भी फ्रेंचाइजी में व्यक्ति जाएगा, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जहां जाएगा वो एक ही चीज पाएगा। तो हमारा डिस्ट्रीब्यूट मेरे गुड्डू दोस्त ने बोला कि बीसी का फॉर्मेट चाहिए, तो गुड्डू को मालूम है कि बीसी कितनी ताकतवर है। आज लोग कई जगह पर खाली 1-to-1 करते हैं, कई बार लोग ऑफिस में भी लेकर नहीं आते हैं। तो अपने ढंग से काम करने से अपने जैसा रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पर राजेश पासवान जी ट्रेनिंग डायरेक्टर हूँ, वो सब के साथ मिलकर तालमेल के साथ एक बड़ी शानदार चीज लेकर आएंगे। हम सारे लोग भी उनको मदद करेंगे और एक नया सिस्टम तैयार होगा, बहुत सिंपल सा सिस्टम जो कोविड से पहले चलता था। कुछ भी नया नहीं करेंगे सर, जो कोविड से पहले चलता बस उसी सिस्टम को एक बढ़िया रूपरेखा देके बना के दे देंगे। भागलपुर में जनार्दन प्लान दिखाएगा तो उसी तरीके से, राजेश साहू उड़ीसा में भी दिखाएंगे तो उसी तरीके से, मोहन भाई बिहार में दिखाएगा तो उसी तरीके से। तो सबसे मालूम होगा कि एक सिस्टम, इसलिए सर ने कहा है कि भैया एक तारीख से, उस 1 तारीख से पहले सिस्टम की तैयारी करके आपको 1 तारीख को मीटिंग दे दिया जाएगा राजेश पासवान सर के द्वारा। फिर क्षमा करे, चाहे उसको मैं कंडक्ट करूं, राजेश सर करे, कोई भी करे, बट ये होगा। तो दोस्तों आप तैयार रहिए और बहुत एक्साइटेड होइए और घबराइए नहीं। मैंने 14-15 फ्रेंचाइजी से बात की और उनसे सिस्टम की बात करी, आपको जान के ताज्जुब होगा, 10 फ्रेंचाइजी में से 10 लोगों से मैंने लिखकर मंगवाया, तो करीब 6 से 7 तरह के अलग अलग सिस्टम है। तो वो अपनी तरीके का काम है, तो सिस्टम है वो वाली बात। वो बेसिकली एक प्लानिंग है जो हमें एक दिन पहला करना शुरू करना है, ऊपर से लेकर नीचे तक स्टार्ट होगा। जीडीडी, एलडीडी, आरडी, ये सारे के सारे करें। और दूसरी हायरार्की में आते हैं डायरेक्टर, जोनल हेड, रीजनल हेड, फ्रेंचाइजी। हम सबको एक दिन पहले तय कर लेना चाहिए और एक दूसरे को बताना चाहिए। पहले प्रथम अपने कार्य लिखना शुरू करिए कि मैं अगले दिन ये काम कर, कल मैं अरविंद मंडल आरडी है मेरे नीचे जो दुबई ट्रिप के लिए जा रहा है, तो मैं अरविंद के साथ कल आधा घंटा बात करने वाला हूँ। इसी तरह से एसएनएच जोन के अंदर मेरा एक लीडर है, मैंने उसके साथ अपनी प्लानिंग करी है कि मैं इस पॉइंट के ऊपर करूंगा। पहले पॉइंटर्स बनाने शुरू करिए, मजा आ जाएगा अगर मैं लिख पाऊं अरविंद से कब बात कर रहा हूँ, जनार्दन से कब कर रहा हूँ, अमित झा जी से कब कर रहा हूँ, यहाँ पर कब कर रहा हूँ मैं राजेश से बात। तो ये होगा पहले कि शिफ्ट हो जाएगा और फिर उसके आगे एजेंडा लिख दिया जाएगा कितने बात करोगे। मैं ये बात क्यों बोल पा रहा हूँ, अभी मैंने परसों मीटिंग किया एक लीडर से, उसने बोला सर मेरी डाउनलाइन में 8 लोग हैं जो दुबई के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, 8 लोग दुबई के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। ये मेरा अगला पॉइंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा प्लीज। ये सभी के लिए, फ्रेंचाइजी के लिए भी, एलडीडी के, जीबीडी, जोनल, रीजनल, आरडी, सभी के लिए है। तो मैंने कहा वेरी गुड सर। उसने बोला सर मैं अपनी नेटवर्क में 8 लोगों को दुबई के लिए क्वालिफाई कराऊंगा। उन्होंने 8 के नाम दर्शा दिए वहां पर। तो मैंने बोला सर बताओ ये कैसे बनेंगे, कभी कभी इसने बोला है कि मैं बनूंगा, तो मैंने कहा रिपोर्ट दिखाओ। क्योंकि 3 लाइनों को एक क्वालिफाई कराने का एक सिस्टम और एक तरीका है, कोई सुपर बनेगा तो कोई एलडीडी लेवल पर है तो उसका क्राइटेरिया अलग है। तो उन्होंने बोला सर वो 3-3 लाइन पर नहीं बनाए हैं, आगे एक सिंगल लाइन में नाम लिखा है हमने। तो मैंने कहा अगर आपने सिंगल लाइन में लिखा है तो हम उनसे फॉलो अप कैसे करेंगे। तो मैं आप सभी को कहना चाहूंगा ये दुबई का ट्रिप जो है ईडी के लिए आखिरी महीना है, पूरी जान लगाइए कि ईडी इस महीने ईडी बन सके और उसको मोटिवेट करिए ईडी को। इस महीने ईडी बनकर अगले महीने एसडी और आरडी बनकर जो हमारा बिजनेस प्लान का जो ऑफर का तरीका है उसको अचीव करेंगे। इसी तरीके से जो लोग भी बनने जा रहे हैं, 3 लाइनों को बना के करने वाले हैं, एक एक व्यक्ति की प्लानिंग करके आप
अपने आप जो बन जाएंगे वो तो है ही बाय डिफॉल्ट। मेरा नेटवर्क बड़ा है, मेरी फ्रेंचाइजी में सेल अच्छा होता है, आज से 10 लोग तो वैसे ही बन जाएंगे, वैसे ही बन जाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है उनमें क्षमता है, उनकी 3 लाइनें भी चल रही है, उसके अलावा और लोग का भी लिखिए, 3 लाइनों का बनाइए पूरा का पूरा, किस किस को कितना कितना बनाने से होगा। उदाहरण के लिए 3 लाइनों में 9,000 टीवी 2 महीने लगातार करना है, तो आखिर इस महीने कितना कर रहा है, आप उसके आगे मेंशन करिए कि इस महीने वो मान के चलिए 9,000 का टारगेट है, इस महीने वो 5,000 तक से पहुंचेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर अगले महीने कितने पे पहुंचता है, वो बोलेगा अगले महीने सर 8,000 पे पहुंचेगा। तो इस तरह से आपके पास एक टारगेट हुआ कि उन 3 लाइनों को कैसे क्वालिफाई करें। विस्तार से राजेश पासवान सर ने बहुत खूबसूरत बहुत बढ़िया पीपीटी बनाई है, जिसके माध्यम से आपको समझाएंगे। लास्ट की लाइन बोल के अपनी मीटिंग को विराम देना चाहूंगा, सिर्फ 5 दिन बचे हैं और इसमें सबसे ज्यादा बिजनेस होता है। समय पर बिलिंग करते हुए टारगेट का ध्यान रखें, एक एक पीढ़ी की मीटिंग लो, एक एक पीढ़ी को मोटिवेट करें कि ये तेरे पास आखिरी महीना है दुबई के लिए। पीढ़ी को समझाएं कि इस महीने अगर एसडी बन जाते हो तो तुम्हारे पास 2 महीने का मौका रहेगा आईडी बनने का, थोड़ा कंफर्टेबल रहोगे तुम जल्दी से बनने के लिए। और एसडी को मोटिवेट करो, क्यों इंतजार करना नवंबर महीने का मेरे दोस्त दुबई चलने के लिए, इसी महीने अपना आईडी प्रमोशन निकाल। हर व्यक्ति को मोटिवेट करिए, अपनी मेहनत करिए, जान लगाइए, उनके नीचे के लोगों में काम करिए, रिजल्ट बहुत बेहतरीन है। आगे की बात राजेश पासवान सर के साथ, इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय गैलवे, जय भारत।